everyone and welcome to अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात करें होंगे उन पांच कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, या उन पांच चीज़ों की जो हमें इंजीनियरिंग करने से पहले पता होनी चाहिए। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कॉलेज की जर्नी को स्मूथ बना देंगी। कुछ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक हैं, कुछ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। इसमें से सबसे पहली चीज़ है रैंकिंग्स। रैंकिंग्स के बारे में हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे NIRF रैंकिंग्स हैं, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिनकी रैंकिंग कम होती है, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग ऊपर जाती है। तो आपको रैंकिंग के बारे में ये चीज़ समझनी है कि एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट, हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो यूजुअली ये होती है कि कॉलेज में जाकर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलेंगी, साथ के साथ हमारा फी स्ट्रक्चर कैसा होगा और प्लेसमेंट्स कैसी होंगी। पर बहुत सारी रैंकिंग ऐसी हैं जो उन चीजों को काउंट में लेती हैं जो एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे NIRF रैंकिंग में आपका ग्राउंड का साइज कैसा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं, लैब फैसिलिटीज कैसी हैं, आपके कॉलेज का साइज क्या है, ऐसी चीजें भी वो लोग काउंट में लेते हैं। वो लोग इसको ध्यान में रखकर फिर अपने कॉलेजेस को रैंक करते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर करते हुए वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कॉलेज स्पेसिफिक और ब्रांच स्पेसिफिक अमन सर ने काफ़ी कोशिश की है कि अपना जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है सेमिनार्स का, उसके बेसिस पर वो प्लेसमेंट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉलेजेस को रैंक किया है। तो वो आप जाकर रेफर कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, वो होती है कॉलेज में ब्रांच, कि आप इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मैकेनिकल में करने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है इंजीनियरिंग में जाने से पहले कि अगर वो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच ले लेंगे तो उन्हें जाकर वही एक करियर ऑप्शन है जो उन्हें करना पड़ेगा, मैकेनिकल में जाएंगे तो वही एक चीज़ है जो उन्हें करनी पड़ेगी। जबकि ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के बाद आपकी ब्रांच चाहे कुछ भी हो, आपको मोस्टली कॉलेजेस में काफी हद तक मौका मिलता है कि आप बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकें जितना आपका कॉलेज आपको अलाउ करता है। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इन ब्रांचेस के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मोस्टली बाद में जाकर कोडिंग कर रहे होते हैं, या फिर नॉन टेक कंसल्टिंग जॉब्स कर रहे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स वाली लाइन में निकल जाते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ब्रांच ले ली तो वहां पर हम फिक्स्ड हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको किसी बहुत ही अच्छे जैसे IIT जैसे कॉलेज में अगर 2-3 रैंकिंग वाली ब्रांच भी मिल रही है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ब्रांड नेम भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे जाकर हेल्प कर रही होगी। सेकंड चीज़ जो इसमें आती है वो है लैपटॉप्स। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो या फिर आप किसी और कॉलेज के अंदर जा रहे हैं बैचलर्स या मास्टर्स करने, तो उसमें आपको जल्दी से जल्दी एक लैपटॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। एक तो आप डिफरेंट चीज़ें जो एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सेसिबल बहुत अच्छे से हैं, हर एक डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं सारी चीजों की। साथ के साथ इवन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एक एक्सपेंसिव लैपटॉप लें। मैंने जब अपने फर्स्ट ईयर में लैपटॉप लिया था तो बजट इतना हाई नहीं था, तो मेरे लैपटॉप का प्राइस कुछ 25,000 था। ऑल्दो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई, जैसे मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें मुझे अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप्स बोरो करके करनी पड़ी। एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप उसमें नहीं कर सकते, लेकिन कोडिंग करने में उस लैपटॉप में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा बेसिक i3 था, जिसमें मैंने अपनी दोनों माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप्स की थी, प्लेसमेंट निकाली है और एक दो इंटर्नशिप्स और की हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप लेंगे तभी आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर अपने बजट के हिसाब से आप बेसिक लैपटॉप ले लेंगे जिसका प्रोसेसर ठीक ठाक है, तो भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी अपनी कॉलेज जर्नी के अंदर। थर्ड चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है ऑनलाइन PDFs। अब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि शुरुआत में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बुक्स से पढ़ रहे होते हैं, नई बुक्स खरीदते हैं, क्योंकि जोश हमारा बहुत हाई होता है। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं सेकेंड हैंड बुक्स में, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड। वो बेसिकली ऐसी बुक्स होती हैं जो यूजुअली 6-7 स्टूडेंट्स के बाद आपके पास आई होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं आपकी ऑनलाइन PDFs पर। एंड सिंस आजकल ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी चल रहा है, सारी क्लासेस घर बैठे बैठे हो रही है, तो इसमें ऑनलाइन PDFs का और ज़्यादा फायदा हमारे लिए निकल कर आता है। ऐसा नहीं है सारे ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन PDFs से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद एटलीस्ट मेरे बैच में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नोट्स भी ऑनलाइन PDF से पढ़ रहे हैं और बुक्स भी ऑनलाइन PDF से पढ़ रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर हम शुरुआत से ही उसी चीज़ की आदत डाल लेंगे, एक तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस पे, उसके साथ साथ हमारी एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाएगी जिसमें आगे जाकर हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो ऑनलाइन आप PDFs पढ़ने की थोड़ी बहुत आदत डेवलप कर लें तो वो आपकी कॉलेज जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ बना देगा। अब इसमें फोर्थ चीज़ आती है सोशल इंटरैक्शंस।
अब हम जब भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जा रहे होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जेई बैकग्राउंड के होते हैं, और दो साल हमने काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की होती है स्कूल में, यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करते हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्योंकि हमें जेई जैसे टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन के बाद जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आपको इंटरैक्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके डेवलप होंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सोशल इंटरेक्शन में आप हर दिन पूरा दिन वही चीज़ कर रहे हैं। आप कोशिश करिए उन लोगों से बात करने की जिनके गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड शुरुआत में आप ओपन रहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कॉलेजेस के अंदर जब भी हम जा रहे होते हैं तो शुरू में हमारे जो दोस्त बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने बाद या 2 साल बाद हम सेम दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे इंटरेस्ट जो हैं उनके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, तो ऐसे अलग अलग लोगों के साथ हम मिलते चले जाते हैं। तो शुरू में जब आप कॉलेज में जा रहे हैं तो बहुत लोगों के साथ ओपन रहिए, सबके साथ आप बातें करिए, इंटरैक्ट करिए। स्पेशली अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो कोशिश करिए हर एक इंसान के साथ जो कॉन्वर्सेशन होता है उसको आप छोटे से प्रोजेक्ट की तरह देखें कि क्या इस इंसान से बात करके मुझे क्या सीखने को मिला, क्या मैं अगली बार के लिए अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करूँ या बाकी चीज़ें क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कितना नहीं, वो सब चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम एक कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो है अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का। अब जब आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे आपका एक मोटिव आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली आपने 6-6 महीने या 1-1 साल आपने किसी सोसाइटी पर लगा दिया, किसी क्लब पर लगा दिया, या फिर आप बिना किसी मोटिव के कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं। हमेशा जब भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में पार्ट टेक कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें उससे पहले उसका मोटिव, उसका गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका गोल है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करना है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो फिर आप ड्रामेटिक्स या फिर डिबेटिंग जैसी सोसाइटीज़ में जाएं। उसके साथ साथ अगर आपकी एक हॉबी है और आप उसको एज अ लेजर एक्टिविटी लेते हैं कि दिन में 1 घंटे ये चीज़ करेंगे, और आपका म्यूजिक डांस जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाकर टाइम डिवोट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपका है कि आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई चीज़ सीखनी है या एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप डिफरेंट इंटर्नशिप्स करिए अपने डिफरेंट ब्रेक्स के अंदर, या इवन ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग जैसी चीज़ें एक्सप्लोर करें। इंटर्नशिप ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ी कंपनीज में करें, स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर करें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे DRDO, ISRO, इन में जाकर आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, रिसर्च को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इवन स्टार्टअप्स एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, एंड आगने वाले जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं उनको एटलीस्ट एक बार कॉलेज लाइफ के अंदर ट्राई करना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक बार टच ज़रूर कर लें, ताकि अगर आपको पता नहीं है कि आपका एंड गोल क्या है, आपको लाइफ में आपका मेन मिशन क्या है, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करके जान पाएंगे कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, तो आप राइट डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा स्टेप्स ले पा रहे होंगे। तो ये जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करने की हमने कोशिश की जो आपकी कॉलेज जर्नी में आपको शायद हेल्प कर दे कहीं ना कहीं जाकर। आई होप कि आप इनको ध्यान में रखेंगे जब भी आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, या इवन आप एक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जो अभी सिर्फ इंजीनियरिंग लाइफ को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।